हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका डेटा फ्लेयर एंड्रॉइड टेक्नोलॉजी के इस फ्री सर्टिफिकेशन कोर्स में। एक्साइटेड हैं या नहीं है फटाफट कमेंट करके बताइए, क्योंकि बहुत दिनों से रिक्वेस्ट तो काफी कर रहे हैं आप लोग कि सर एंड्रॉइड टेक्नोलॉजी का कोर्स स्टार्ट करिए। तो चलिए बात करेंगे आज एंड्रॉइड टेक्नोलॉजी के इंट्रोडक्शन के बारे में। और आज के इस इंट्रोडक्शन वीडियो में हम देखने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट दिस एंड्रॉइड टेक्नोलॉजी के। हम बात करेंगे एंड्रॉइड की डेफिनेशन के बारे में, व्हाट इज एन एंड्रॉइड, व्हाई देयर इज अ नीड टू लर्न एंड्रॉइड, देयर आर डिफरेंट ऑप्शंस आर अवेलेबल। अगर आप अभी सुन रहे हैं तो सर कोटलिन है एंड्रॉइड के लिए, जावा डेवलपमेंट है, देन वी हैव अ फ्लटर, देन वी हैव अ रिएक्ट, तो इन सब में क्या क्या डिफरेंसेस हैं इनके बारे में हम बात करेंगे। IDEs के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, मतलब बहुत सी बातें आज के इस इंट्रोडक्टरी वीडियो में हम करने वाले हैं। लेकिन शुरुआत हम यहां से करते हैं कि व्हाई देयर इज अ नीड ऑफ एंड्रॉइड, है ना। हालांकि देखिए ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो आई होप आप सबको पता है कि हम एंड्रॉइड क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि आप देखिए भले ही आप एंड्रॉइड टेक्नोलॉजी नहीं पढ़ी है लेकिन आप एंड्रॉइड मोबाइल को तो जानते हैं ना। तो यहां पर पहली स्टेप अब यहां से शुरू करने देखो कि एंड्रॉइड राइट नाउ, क्योंकि यहां पर हम बात करने वाले हैं अपडेटेड कॉन्सेप्ट की। और इस पूरी सीरीज में मेरी प्लानिंग ये है कि हम कम से कम 25 से 30 ऐप डेवलप करें, राइट। लेकिन आपकी क्या प्लानिंग है, क्या चाहते हैं आपकी, क्या इसको हम एक ट्रेडिशन वे में पढ़ें जैसा कि हम हर कोर्स को पढ़ते हैं कि एक ट्रेडिशन वे में पढ़ लिया इट्स ओके, या आप इसको प्रोजेक्ट बेस पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि ये पूरी सीरीज आपके हिसाब से चलेगी, ये मेरी श्योरिटी है। आप कमेंट करके मुझे बताइए कि सर ट्रेडिशन वे में पढ़ना है या आपको इसको प्रोजेक्ट बेस रेडी करना है। आप कमेंट करके बताइए कि आप इसमें इंटरव्यू क्वेश्चंस की सीरीज चाहते हैं या इसको हम केवल एक थ्योरेटिकल वे में पढ़ें। तो जितने आपके कमेंट होंगे, जितने आपके आंसर होंगे, उस हिसाब से ये कोर्स आगे बढ़ेगा, ठीक है। तो यहां पर सबसे पहली स्टेप में हम यही बात करते हैं व्हाई, क्योंकि मेरा हमेशा ये मानना है कि जब भी कोई टेक्नोलॉजी आप शुरू करें सबसे पहले उसकी नीड समझें, आपकी व्हाई देयर इज अ नीड टू लर्न एंड्रॉइड टेक्नोलॉजी, राइट। तो आप देखिए आज अगर वर्ल्ड की बात करें तो वर्ल्ड इज आईटी वर्ल्ड की, है ना, वर्ल्ड ऑफ आईटी की अगर हम बात करें तो दैट इज मूविंग अराउंड ओनली टू थिंग्स, वेब एंड ऐप। यदि आप चाहते हैं वेब डेवलपमेंट तो फिर एंड्रॉइड इज नॉट कप ऑफ योर टी, राइट। वेब डेवलपमेंट मतलब हम बात कर रहे हैं वेबसाइट्स की। लेकिन अगर आप चाहते हैं ऐप डेवलपमेंट, मतलब यदि आप ऐसी एप्लीकेशन डिजाइन करना चाहते हैं जिसको आपको मोबाइल पर रन करना है, और जो एप्लीकेशन मोबाइल पर रन होती है हम उसको ऐप कहते हैं। तो यदि आप चाहते हैं यू वांट टू बिकम एन ऐप डेवलपर, यू वांट टू बिकम अ मोबाइल डेवलपर, तो यहां पर आपकी नीड है फिर एंड्रॉइड टेक्नोलॉजी। तो एक्चुअली एंड्रॉइड इज व्हाट इज इट, इट इज अ टेक्नोलॉजी विच इज यूज टू डिजाइन फॉर मोबाइल एप्स की। यदि आप मोबाइल ऐप डेवलपमेंट करना चाहते हैं सो दैट देयर इज अ नीड ऑफ एंड्रॉइड टेक्नोलॉजी, राइट। अब यह तो चलिए बात हो गई क्यों पढ़ना है, लेकिन सर एंड्रॉइड है क्या? ओके, तो यदि हम एंड्रॉइड को डिफाइन करें तो हम इसको तीन स्टेप्स में, देखिए सिंपल डेफिनेशन अगर हम एंड्रॉइड की दें तो एंड्रॉइड को हम डिफाइन करते हैं इट्स अ लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, इट्स एन ओपन सोर्स एंड इट्स अ फ्रीवेयर। अब ये लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, तो आप देखिए देयर आर लॉट ऑफ लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम्स आर अवेलेबल इन द मार्केट। आप गूगल पे जाइए आपको पूरी लिस्ट मिल जाएगी, फेडोरा वहां पर है, रेड हैट है, ओके, एंड वन ऑफ देम इज एंड्रॉइड। तो एंड्रॉइड को जब हम डिफाइन करते हैं तो हम बोलते हैं इट्स अ लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, इट्स अ फ्रीवेयर। फ्रीवेयर का मतलब यह है कि यदि आप चाहते हैं कि आप एंड्रॉइड डेवलपमेंट करना चाहते हैं, यदि आप अपने लैपटॉप पे एंड्रॉइड एप्लीकेशन डेवलप करना चाहते हैं, सो देयर इज नो नीड टू परचेज एनी लाइसेंस सॉफ्टवेयर टू डेवलप एन एंड्रॉइड ऐप। आप अपने लैपटॉप को भी, हम जब इंस्टॉलेशन पे आएंगे आपको सिंपली एंड्रॉइड के सेटअप को डाउनलोड करना है, अभी हम आगे बात करेंगे किस सेटअप को कैसे डाउनलोड करना है, इन योर लैपटॉप इज रेडी फॉर एंड्रॉइड डेवलपमेंट, देयर इज नो नीड टू परचेस एनी लाइसेंस सॉफ्टवेयर टू बी एन एंड्रॉइड डेवलपर, राइट। तीसरी बात सर, ये ओपन सोर्स का मतलब क्या होता है, तो आप देखिए ओपन सोर्स एंड्रॉइड के पहले भी आपने कई टेक्नोलॉजीज के बारे में सुना होगा, बोलते हैं पायथन इज एन ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी, जावा इज एन ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी, एचटीएमएल इज एन ओपन सोर्स। तो क्या होता है, देखिए जब किसी टेक्नोलॉजी का सोर्स कोड ओपनली अवेलेबल होता है, कि आज अगर एंड्रॉइड डेवलपर ने जितनी भी APIs बनाई है, जितनी भी फाइल्स क्रिएट की है, जितनी भी, बहुत सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको समझा रहा हूं, जितनी भी APIs उन्होंने क्रिएट की, दिस APIs आर ओपनली अवेलेबल। अब क्वेश्चन आता है सर ये ओपनली किन के लिए अवेलेबल है, दिस एक्चुअली APIs आर ओपनली अवेलेबल फॉर एंड्रॉइड कम्युनिटी, देयर इज अ ह्यूज कम्युनिटी ऑफ एंड्रॉइड डेवलपर्स, राइट। और ये जो कम्युनिटी है दे आर एक्चुअली सजेस्टिंग एंड्रॉइड वर्जन्स, दे आर सजेस्टिंग एक्चुअली द न्यू अपडेशंस ऑफ एंड्रॉइड, तो दैट APIs are actually openly available for that Android community people. तो इसीलिए हम बोलते हैं Android is a Linux-based freeware open source operating system. Okay.
ये बात हो गई व्हाट इज एंड्रॉइड की। तो वाई पे हमने अभी बात की, व्हाट इज एंड्रॉइड, बड़ी सिंपल सिंपल सी बात अभी हम इस इंट्रोडक्टरी वीडियो में करने वाले हैं, राइट। तो यहां पर इस पूरी सीरीज में हम लेटेस्ट अपडेटेड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट की बात करेंगे, ओके। और जब हम एंड्रॉइड के प्रीवियस वर्जन्स को देखते हैं ना, क्योंकि आप देखिए एंड्रॉइड आज नहीं आया, एंड्रॉइड वॉज द फर्स्ट वर्जन ऑफ एंड्रॉइड डेवलप इन 2007, अभी हम हिस्ट्री पे आएंगे, ओके। तो 2007 से लेकर आज तक एंड्रॉइड हैज चेंज मल्टीपल टाइम एंड्रॉइड के वर्जन्स चेंज हुए हैं। और एंड्रॉइड के वर्जन्स की एक सबसे, मतलब मैंने आपको कहा था ना द इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट द एंड्रॉइड, फर्स्ट वर्जन आया था 1.0, सेकेंड इज 2.0, एंड देन आफ्टर द नेम ऑफ द वर्जन्स इज विद आइसक्रीम एंड चॉकलेट्स, राइट, कि चॉकलेट और आइसक्रीम पे एंड्रॉइड के वर्जन्स के नाम रखे गए। आप देखिए, और सबसे बड़ी बात, मतलब जो बेस्ट फैक्ट है कि ये नाम बड़े अल्फाबेटिकल ऑर्डर में थे, सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी, ठीक है, कपकेक, डोनट, इक्लियर्स, फ्रायो, जिंजर वाइट, हनी कॉप, आइसक्रीम सैंडविच, जेली बीन, किटकैट, लॉलीपॉप, मार्शमेलो, नगेट्स, ओरियो पाई, ये थे एंड्रॉइड वर्जन्स के नाम। और इसके बाद फिर एंड्रॉइड वर्जन्स के नाम जो है फिर से नंबर्स में आए, ठीक है, इसके बाद आया 11.0, देन 12.0, देन 13.0, एंड देन 14.0, विच इज एन अपडेटेड वर्जन ऑफ एंड्रॉइड। तो अब यहां पर आप देखिए, एंड्रॉइड इज नॉट एट ऑल लिमिटेड विद द मोबाइल ओनली। अब आज अगर आप देखें तो यू विल फाइंड एंड्रॉइड लैपटॉप्स, इवन यू विल फाइंड एंड्रॉइड टीवीज, इवन एंड्रॉइड वॉचेज है। सो नाउ द यूज ऑफ एंड्रॉइड इन अ मल्टीपल एरियाज, तो दैट्स व्हाई द रीजन डिमांड एंड्रॉइड डेवलपर की काफी बढ़ गई है, एंड दैट्स व्हाई द रीजन ह्यूज करियर ऑप्शंस आर अवेलेबल इफ यू आर गोइंग टू दिस एंड्रॉइड डेवलपमेंट। तो ये तो अभी हमने इसकी बहुत छोटी छोटी डेफिनेशंस के बारे में डिस्कस किया, लेकिन अब यहां पर बात आती है कि सर यदि मुझे एंड्रॉइड डेवलपमेंट करना है देन व्हाट इज द प्रीरिक्विजिशन। तो आप देखिए, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि आप एंड्रॉइड में नेटिव प्लेटफॉर्म डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं या क्रॉस प्लेटफॉर्म डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। तो पहले तो इस नेटिव और क्रॉस प्लेटफॉर्म को समझिए। नेटिव प्लेटफॉर्म का मतलब है आप एक ऐसी ऐप डेवलपमेंट करने की बात कर रहे हैं जिसको आपको केवल एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम पर ही रन करनी है, ओके। तो यहां पर फिर आपके पास ऑप्शन आता है, यू कैन गो फॉर जावा टेक्नोलॉजी और यू कैन गो फॉर कॉटलिन, ठीक है, कि आप जावा पे जा सकते हैं, आप कॉटलिन पे जा सकते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है, सर हम यहां पे किस में जाएंगे, तो अगेन फिर ये क्वेश्चन आता है कि आप कमेंट करके मुझे बताइए, क्योंकि यहां पर हमारे लिए अभी दोनों ऑप्शंस ओपन है, ओके। आफ्टर दिस इंट्रोडक्टरी वीडियो हम डिसाइड करते हैं कि हमें एंड्रॉइड डेवलपमेंट जावा को लेके जाना है या कॉटलिन में लेके जाना है या दोनों को पैरेलली हम लेके चले, ओके। तो यदि आप नेटिव प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं, यदि आप नेटिव प्लेटफॉर्म डेवलपमेंट चाह रहे हैं, तो ऑप्शन इज जावा एंड कॉटलिन। और अगर आप क्रॉस प्लेटफॉर्म पे जा रहे हैं, क्रॉस प्लेटफॉर्म का मतलब ये है, वंस यू कैन डिजाइन एन ऐप सो दैट दिस ऐप विल बी रन ऑन एनी ऑपरेटिंग सिस्टम, कि फिर हम इसको iOS पे भी रन कर सकते हैं, हम इसको एंड्रॉइड पे भी रन कर सकते हैं, हम इसको विंडोज पे भी रन कर सकते हैं, राइट। सो दैट फिर यहां पर हमारे पास ऑप्शन आता है फ्लटर या रिएक्ट। तो फ्लटर आपके पास एक टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, रिएक्ट जो कि फेसबुक ने दी है, ये आपके पास एक टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, बट दिस इज फॉर क्रॉस प्लेटफॉर्म। लेकिन हमारे डेवलपमेंट में, क्योंकि हम एंड्रॉइड की बात करें, तो वी आर मोस्टली टॉक अबाउट नेटिव प्लेटफॉर्म, तो हमारे पास ऑप्शन आता है कि या तो हम एंड्रॉइड डेवलपमेंट जावा में देखें या फिर हम एंड्रॉइड डेवलपमेंट की बात करेंगे कॉटलिन में, राइट। तो यहां पर हमारे लिए अभी दोनों ऑप्शन ओपन है, ठीक है, आपके लिए जावा का कोर्स भी अवेलेबल है और आपके लिए कॉटलिन का कोर्स भी अवेलेबल रहेगा, राइट। तो ये पूरी तरह से रिक्वायरमेंट स्पेसिफिक है, ओके। देन तीसरी बात आती है कि सर क्या इसके लिए कोई प्री रिक्विजिशन है, बिल्कुल है, आपको एटलीस्ट किसी ना किसी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नॉलेज मस्ट है, ओके। यदि आपने कोर जावा पढ़ी है, दैट इज वेल एंड गुड, बेस्ट है, यदि आप कोर जावा पढ़ के एंड्रॉइड डेवलपमेंट में आते हैं, क्योंकि आप देखिए मैंने आपको क्या कहा है, नेटिव प्लेटफॉर्म के लिए आपके पास जावा का ऑप्शन है और सेकंड ऑप्शन आपके पास है कॉटलिन का, राइट। तो अगर आपने कोर जावा को बहुत अच्छे से पढ़ा है, अगर आप जावा को जानते हैं, सो दैट इट्स वेरी मच इजी फॉर यू दैट यू कैन वेरी इजीली अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट, राइट। और यदि आपने नहीं पढ़ी है तो कोई बात नहीं, आपने कोई ना कोई ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टेक्नोलॉजी पढ़ी है, अगर आपने C++ पढ़ी है, सो दैट यू कैन इजिली गेट द कॉन्सेप्ट। जहां पर आप देखिए कुछ टॉपिक्स लाइक डेटा टाइप, लूप, कंडीशनल स्टेटमेंट्स, क्लासेज, ऑब्जेक्ट, कंस्ट्रक्टर, एक्सेप्शंस, ठीक है, ये सारे कॉन्सेप्ट अगर आप जानते हैं, सो दैट इट्स वेरी इजी फॉर यू कि आप इस एंड्रॉइड डेवलपमेंट को शुरू कर सकते हैं, ओके। अब यहां पर तीसरी और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है कि सर
इसके डेवलपमेंट के लिए हमें क्या कोई स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर चाहिए, कोई स्पेसिफिक एडिटर चाहिए, तो आप डोंट वरी अबाउट दिस। जब हम इंस्टॉलेशन वाली स्टेप पे आएंगे तब हम इसके बारे में बहुत डिटेल में बात करेंगे। अभी आप अपने लैपटॉप में कोई चेंजेस मत करिए, स्टेप बाय स्टेप हम इसमें आगे बढ़ते रहेंगे। सो द इंस्टॉलेशन वीडियो आप जरूर देखिएगा, वहां पर फिर हम बात करेंगे कि आपको कौन कौन से आईडीई की रिक्वायरमेंट है, बिकॉज एंड्रॉइड स्टूडियो आपको चाहिए, विजुअल स्टूडियो आपको चाहिए, आपको इक्लिप्स में डेवलपमेंट करना है, आपको नेटबिंस में डेवलपमेंट करना है, इंटेलिजेंट आईडी अवेलेबल है, तो देर आर लॉट ऑफ एडिटर्स आर अवेलेबल। इनमें से हमें किस एडिटर को यूज करना है ये हमारे इंस्टॉलेशन वीडियो में हम लोग बात करेंगे। इसके लिए आपको कौन कौन से एसडीके को इंस्टॉल करना है, एंड्रॉइड सेटअप को आपको इंस्टॉल करना है, डाउनलोड किसको करना है, ये सारी बातें हम हमारे आने वाले लेक्चर्स में करेंगे। लेकिन अब इसके बाद यहां पर बात आती है कि सर इसके बाद मेरे लिए करियर ऑप्शंस क्या हैं। तो जैसे मैंने आपको कहा ना कि राइट नाउ एंड्रॉइड इज नॉट एट ऑल रिस्ट्रिक्टेड टू द मोबाइल डेवलपमेंट, नाउ एंड्रॉइड इज अवेलेबल इन एवरी प्लेटफॉर्म, तो देयर इज अ ह्यूज डिमांड ऑफ एंड्रॉइड डेवलपर। तो यहां पर आपके पास ऑप्शन है, आप जॉब तो खैर नो डाउट ह्यूज अपॉर्चुनिटीज आर अवेलेबल, लेकिन इसके अलावा आप फ्रीलांसिंग काम भी कर सकते हैं अगर आप एक अच्छे एंड्रॉइड डेवलपर बन गए हैं। ठीक है, एटलीस्ट आपने मिनिमम 25 से 30 ऐप डेवलप कर ली है, क्योंकि मेरी श्योरिटी है 110% हम इस पूरे कोर्स में मिनिमम 25 ऐप डेवलपमेंट देखेंगे, लेकिन वो तभी जब आप कमेंट करके मुझे बताएंगे कि आप इस कोर्स को किस डायरेक्शन में पढ़ना चाहते हैं, उसके हिसाब से ये कोर्स आगे के प्लानिंग से चलेगा, राइट? तो यदि आप एटलीस्ट 25-30 प्रोजेक्ट डेवलप कर चुके हैं सो दैट आप फ्रीलांसिंग काम कर सकते हैं, देयर आर ह्यूज डिमांड ऑफ फ्रीलांसिंग ऐप डेवलपर। ठीक है, इसके अलावा आप अपना खुद का स्टार्टअप प्लान कर सकते हैं, स्टार्ट योर ऑन कंपनी यार सबसे बेस्ट है, क्यों किसी की नौकरी करें, अपनी खुद की स्टार्टअप प्लान करिए। और जॉब अगर आप चाहते हैं तो ह्यूज अपॉर्चुनिटीज आर अवेलेबल, बिलीव मी, ये मेरे 20 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस के बाद मैं आपसे बात कर रहा हूं, ओके, कि देयर इज अ ह्यूज जॉब अवेलेबल एंड्रॉइड डेवलपमेंट की। लेकिन यहां पर एक क्वेश्चन और भी आता है कि सर ठीक है हमारा पार्ट नहीं है, लेकिन नॉलेज लेने में तो कोई बुराई नहीं है ना। तो यहां पर एक ऑप्शन ये भी आता है कि सर आईओएस में और एंड्रॉइड डेवलपमेंट में क्या डिफरेंस होता है, राइट? तो देखिए, अगर आप चाहते हैं यू वांट टू बिकम एन आईओएस डेवलपर, तो फिर यहां पर आपके लिए टेक्नोलॉजी चेंज हो जाती है। अगर आप आईओएस डेवलपर के लिए जाएंगे तो फिर आपके लिए ऑप्शन है, जैसे मैंने आपको क्या बोला, यहां पर आपको नेटिव प्लेटफॉर्म की बात करें तो नेटिव प्लेटफॉर्म में आपके पास जावा और कॉटलिन का ऑप्शन है। क्रॉस प्लेटफॉर्म की भी हम बात ही नहीं कर रहे हैं, क्योंकि क्रॉस प्लेटफॉर्म हमारी आगे की टेक्नोलॉजीज होंगी, जहां पर हम रिएक्ट की बात करेंगे, जहां पर हम फ्लटर की बात करेंगे। लेकिन यदि आप सेम नेटिव प्लेटफॉर्म डेवलप करना चाहते हैं फॉर आईओएस सिस्टम्स, राइट, तो वहां पर फिर आपके पास ऑप्शन है ऑब्जेक्टिव सी का। लेकिन ऑब्जेक्टिव सी से बेटर ऑप्शन है फिर आपके पास स्विफ्ट का, कि देयर इज अ टेक्नोलॉजी कॉल्ड स्विफ्ट। तो यदि आप आईओएस डेवलपमेंट में जाना चाह रहे हैं तो फिर बॉस आईओएस की बात हम आगे करेंगे, फिलहाल हम एंड्रॉइड डेवलपमेंट की बात करेंगे। लेकिन ये डिफरेंस मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि अगर आप ऐप डेवलपर हैं तो आपको नॉलेज हर चीज का लेना है, भले ही आप डेवलपमेंट एंड्रॉइड के लिए करें। ओके, तो आई होप ये इंट्रोडक्टरी कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा कि व्हाट इज द एंड्रॉइड, व्हाई वी शुड गो फॉर एन एंड्रॉइड, वर्जन्स ऑफ एंड्रॉइड हम लोगों ने डिस्कस किया, एडिटर्स के बारे में हम लोगों ने बात की, करियर ऑप्शंस के बारे में हम लोगों ने बात की। ओके, तो अब यहां से फिर आगे किस स्टेप में चलना है आप मुझे कमेंट करके बताइए कि सर इसको विद प्रोजेक्ट लेके चलना है या फिर आपको एक ट्रेडिशन वे में इस कोर्स को चलाना है। आप कमेंट करेंगे तो फिर आगे की प्लानिंग हम लोग करेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और बात करेंगे एंड्रॉइड के कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।